मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ क्योंकि कंटिन्यू ये सुन सुन कर मैं पक गई हूँ कि पाकिस्तान बेटा है इंडिया बाप है, पाकिस्तान बेटा है इंडिया बाप है, बांग्लादेश पोता है तो माँ कौन है? मुझे आप लोग इतना बता दें कि माँ कौन है। बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि अगर इंडिया बाप है, पाकिस्तान बेटा है, बांग्लादेश पोता है तो माँ कौन है? आई वॉन्ट टू नो। एंड सेकेंड वन कि अगर पाकिस्तान जीतेगा तो इंडिया को एडमिट करना पड़ेगा। जो लोग मुझे कंटिन्यू भेजते रहते हैं कि नहीं बेटा बेटा बाप बाप, आप लोगों को एडमिट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान बाप है। और अगर पाकिस्तान हारेगा तो मैं एडमिट करूंगी कि इंडिया जो है वो बेटा है और पाकिस्तान जो है वो बाप है। दूसरी चीज, मैं सपोर्ट पाकिस्तानी टीम एंड मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगी सरफराज भाई को, उनसे कहना चाहूंगी कि प्लीज बहुत बहुत अच्छा खेलिएगा। हसन, फकर, शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर, ये सब बहुत अच्छा खेले। प्लीज वी वॉन्ट चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान यू एंड अच्छा। और मुझे इंडिया से बोला गया है कि अगर इंडिया जीतेगा तो मुझे ब्लू बिकनी पहनना पड़ेगा। यस आई विल वियर बट आफ्टर रमजान, ठीक है। सो और दूसरी चीज ये कि नजम सेट्टी को प्लीज दूर रखना। मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों की याद में, ठीक नहीं है। एक तो उसको सिलेक्ट करना नहीं आता कि प्लेयर्स को सिलेक्ट करें, तो प्लीज और मेरी गुजारिश है इनको प्लीज हटा दो यार, प्लीज हटा दो, प्लीज हटा दो। एंड शाही साहब प्लीज सपोर्ट पाकिस्तान टीम, प्लीज सपोर्ट सरफराज भाई, आप उन्हें बूस्टअप कीजिए। आई नो डेट कि आप ऐसा ही करेंगे। एंड पाकिस्तानी मीडिया प्लीज सपोर्ट एंड प्लीज पॉजिटिव थॉट्स लाइए, पॉजिटिव डिबेट कीजिए और पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक इंडियन टीम ऑल्सो, विराट कोहली, धोनी साहब, सबको। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग एंड एवरीथिंग, बट आई वॉन्ट चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान। ये केस पूरी पाकिस्तानी टीम के लिए।